अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन डेमोक्रेसी, क्लास 6 स्विक्स। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसको लोग इलेक्ट करते हैं थ्रू राइट टू वोट। जब इलेक्शन होते हैं लोग वोट डालते हैं, तो जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स आते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती है। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट होती है उसको लोग बनाते हैं थ्रू राइट टू वोट। द सिटीजन्स हैव टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। सिटीजन जो है डेमोक्रेसी में वो अवेयर होने चाहिए उनके राइट्स क्या है और उनके ड्यूटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट, ये हमारा राइट है। इसी तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी हमारा राइट है। अगर गवर्नमेंट का कोई लॉ पास करता है तो अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट पीसफुल प्रोटेस्ट। इसी तरह ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना ये हमें हमारी ड्यूटी है। इसी तरह नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना ये भी हमारी ड्यूटी है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है। दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी एंड सिंसियरिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों को कैपेसिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए। एक वोटर जो है वो फ्री होना चाहिए, जब वो वोट डालने के लिए जाएगा तो उसको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई पावर नहीं होना चाहिए, वो खुद अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डालना चाहिए। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप्स रिगार्डिंग देयर वेलफेयर। उसको ये भी समझ होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं उसके लोगों के वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस रीजन इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट करंट इवेंट्स। उसको नॉलेज होनी चाहिए करंट इवेंट्स के बारे में कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है। इसी तरह एंड पॉलिसी मेकिंग, वो किस तरह से पॉलिसी बना रही है, ये कैसे उसको पता चलेगा, थ्रू न्यूज़पेपर्स। उसको न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, रेडियो के जरिए भी पता चलता है या टेलीविजन एज वेल एज पब्लिक मीटिंग्स। टेलीविजन पे भी वो देखता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, या कुछ पब्लिक मीटिंग्स में वो जाता है और वहां पे भी देख सकता है कि गवर्नमेंट किस तरह से गवर्न कर रही है। डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। डेमोक्रेसी का ये भी मतलब है कि जो लोग हैं, जो वहां के सिटीजन्स हैं, वो फ्री होने चाहिए टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। उनकी जो राय है वो फ्रीली वो रखने चाहिए, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो इंडिविजुअल की मर्जी है वो बोल सकता है। अगर कोई लॉ पास होता है तो हर किसी सिटीजन को ये राइट है कि वो उसके खिलाफ बोल सकता है, तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। दे कैन क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट के को क्वेश्चन भी कर सकता है और उसके पॉलिसीज के खिलाफ क्रिटिसाइज भी कर सकता है। ये डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप है तो वहां पे हम, जहाँ पे किंग रूल करता है वहां पे हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वहां पे उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। नाउ वी विल डिस्कस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलोज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डेट इज वाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमें वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम। इसका मतलब है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं यहाँ पे और वो हमें वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो हमें वहां स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इज द केस अगर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में, वहां पे हम MPs को इलेक्ट करते हैं और वो हमें वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विशेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपने विशेज और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। दीज पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स। फिर वो पार्टीज जो है वो कैंडिडेट्स को चूज करते हैं जब इलेक्शन टाइम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वो अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं और फिर इलेक्शन में खड़ा करते हैं। लाइक अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, यहाँ पे पीडीपी का कैंडिडेट होता है, नेशनल का कैंडिडेट होता है, इसी तरह बीजेपी का होता है, कांग्रेस का होता है, तो फिर हम उनको वोट डालते हैं। जो कैंडिडेट हमें ठीक लगता है तो उसको हम वोट डालते हैं, तो वो फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ड्यूरिंग द कैंपेन बिफोर एन इलेक्शन, इलेक्शन से पहले कैंपेन होती है, इलेक्शन कैंपेन, वो घर घर जाते हैं, वो हर गांव में जाते हैं, हर जगह वो पब्लिक मीटिंग्स करते हैं और लोगों को वहां पे बोलते हैं कि अगर हम हमारी हुकूमत आएगी तो हम किस तरह से काम करेंगे, रोड्स बनाएंगे, पानी सा जो है साफ पानी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, उससे पहले लोगों को मोटिवेट करते हैं, इलेक्शन से पहले लोगों को वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं पब्लिक मीटिंग्स में। कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द कैंपेन बिफोर एन इलेक्शन द कैंडिडेट्स अनाउंस द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट देयर पार्टी विल अंडरटेक इफ वोटेड पावर। अगर जो हर एक पार्टी का कैंडिडेट होता है वो अपनी अपनी पार्टी की बात रखता है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम किस तरह से काम करेंगे, हम डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, तो लोग ये हम हर किसी का सुनते हैं, जिसको फिर जिसकी बात उनको अच्छी लगती है तो जो कैंडिडेट उनको अच्छा लगता है तो फिर उसको वोट डालते हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर दिस इज नोन एज पार्टी मैनिफेस्टो। जो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स लोगों को बोलते हैं कि अगर हम अगर आप हमें वोट डालोगे तो हम क्या क्या करेंगे आपको, तो उसको पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कहते हैं। पीपल हु डू विश टू ज्वाइन एनी हु डू नॉट विश टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है लेकिन वो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं करता है तो वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे यहाँ का इलेक्शन होगा, कोई पीडीपी के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, नेशनल के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, बीजेपी के साथ नहीं करेगा, कांग्रेस के साथ नहीं, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाता है।